कल खादी के कपड़े ट्रेंड में, ये कपड़े फैशनेबल होने के साथ साथ आरामदायक भी होते हैं। जी हाँ, साथ ही कई वैरायटीज में भी मिलते हैं और यही वजह है कि इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है और ये युवाओं को भी लुभा रहे हैं। तो खादी के कपड़े सादगी को दिखाते हैं, तो आखिर क्या खास है खादी में जिससे लोगों को इतना जो है रुझा रहे हैं, इन लोगों का रुझान इसके प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, खादी ईमानदारी, समर्पण और साथ ही मानव संसाधन का जरिया है। खादी हमारी धरोहर है। और ऐसे में आज जब पूरी दुनिया के अंदर खादी का ट्रेंड मौजूद है, तो हम आज आ गए हैं मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा लगाई गई एक प्रदर्शनी में। जी हाँ, खादी की ये प्रदर्शनी है और यहाँ पर काफी तरीके के खादी के कपड़े और अन्य प्रकार की उपयोगी सामान भी है। आइए जायजा लेते हैं इस पूरी प्रदर्शनी का। मेड इन इंडिया की बढ़ती क्रेज के चलते इन दिनों खादी के कपड़े काफी पॉपुलर हो चुके हैं। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी इसकी फैन हैं। भोपाल हाट में लगी खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा। खादी की खास बात ये है कि ये एक ऐसा फैब्रिक है जिसे कभी भी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। स्किन फ्रेंडली होने के साथ साथ ये हमें अपने कल्चर से भी जोड़ता है। भोपाल हाट की इस प्रदर्शनी में भी अलग अलग वैरायटीज के कपड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। अभी ये नया ही शुरू किया हम लोगों ने, खादी का और खादी और मृगिनी दोनों मिलके एक नया शोरूम बनाया है, उसी में ही बढ़िया रिस्पांस है अभी हम लोगों के पास में, जिसमें बटिक के बेड कवर से, हैंडलूम बेड कवर से, सिल्क की बाग प्रिंट साड़ीज मलबरी सिल्क में हैं, टसर में हैं, हैंडलूम के पड़ाना के बेड कवर से, साथ ही विंध्य वैली के प्रोडक्ट हैं जिसमें पापड़, अचार, शैम्पू, साबुन, डिजॉल सभी सामान इसमें चल रहा है अभी। खादी के कपड़े कभी सिर्फ बुजुर्गों की पसंद हुआ करते थे, लेकिन आज ये युवाओं के बीच भी ट्रेंडिंग है। यंग जनरेशन में इसका काफी क्रेज है। खादी के कपड़े फैशनेबल, आरामदायक और कलरफुल वैरायटीज में मार्केट में आ रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। खादी पहनने में अभी यंग जनरेशन भी काफी आगे है और जो क्लाइमेट के हिसाब से देखो तो खादी शरीर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। इसे भी ग्रामीणों का द्वारा निर्मित है, अपन महिलाओं को रोजगार देने का मेन उद्देश्य शासन प्रशासन गवर्नमेंट का, ताकि महिला इससे जुड़ी रहे और यंग जनरेशन को भी हम लोग इसके लिए प्रेरित करते हैं कि ब्रांडेड चीज़ों पर न जाते हुए अपनी जो हैंडमेड चीज़ें हैं उसको यूज करें, ताकि अपनी गरीब महिलाओं को, अपने मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। खादी का इतिहास सालों पुराना है, आज़ादी के संघर्ष में भी इसने अहम भूमिका निभाई थी। आज खादी के नए और फैशनेबल रूप ने लोगों के बीच इसे एक बार फिर लोकप्रिय बना दिया है। खादी आज हर वर्ग की पसंद बनता जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि खादी एक ऐसा वस्त्र है जो गर्मी और सर्दी दोनों के लिए ही एकदम अनुकूल है, और आज जब भारत में मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, हमारे प्रधानमंत्री खुद स्वदेशी बनने को कह रहे हैं, ऐसे में खादी से बेहतर क्या हो सकता है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ बंसल न्यूज के लिए मधुलिका मिश्रा, भोपाल।